नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्सम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं बहुत ही कमाल का फुल HD प्रोजेक्टर। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास है एक बहुत ही कमाल का प्रोजेक्टर, ये है ZEITCO W6 पोलर प्रोजेक्टर। ZEITCO नेटिव 1080p प्रोजेक्टर, यहाँ पर प्रोजेक्टर की इमेज देखने को मिल जाती है 1080p, एंड्रॉइड 9 को ये सपोर्ट करता है। USB से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हो, HDMI को ये सपोर्ट करता है। ऑक्सिलरी आउट का ऑप्शन भी इसके अंदर मिल जाता है। इसकी MRP है 29,900 रुपीज, लेकिन इस समय आपको अमेजोन पर 16,000 से 17,000 रुपए में ये मिल जाएगा। इसका बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो करते हैं इसे ओपन। तो यहाँ सबसे पहले हमें एक यूजर मैनुअल दिया गया है, क्विक स्टार्ट गाइड दी गई है जिसके अंदर सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। यूजर मैनुअल के अलावा यहाँ पर एक वारंटी कार्ड दिया गया है, इस प्रोजेक्टर पर पूरे एक साल की वारंटी मिल जाती है। और यह है इसकी पावर केबल, इसके एक साइड में 2 पिन प्लग दिया गया है और दूसरी साइड में इस तरह का कनेक्टर दिया गया है। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक इस तरह की केबल भी दी गई है, AV केबल भी दी गई है, ऑडियो वीडियो केबल भी यहाँ दी गई है। और यह है इसका रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, काफी कॉम्पैक्ट साइज है। यहाँ पर इसके सारे फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। पावर ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर दिया गया है, म्यूट का बटन दिया गया है, मोड का बटन दिया गया है, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ZEITCO की ब्रांडिंग यहाँ दी गई है, रिमोट की बैटरी भी इसके साथ दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक कैरी बैग देखने को मिल जाता है, कैरी बैग की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। तो ये है ZEITCO का प्रोजेक्टर, देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ओवल शेप में ये प्रोजेक्टर हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर क्रोम प्लेटिंग हमें देखने को मिल जाती है जो कि इसके लुक को 4 चांद लगा देती है। यहाँ पर है ZEITCO की ब्रांडिंग, यहाँ पर हमारा आयर सेंसर दिया गया। इसके अलावा इसके लेंस के ऊपर यहाँ पर इस तरह का कवर दिया गया है। वेंटिलेशन के लिए इस तरह की वेंट्स दी गई हैं जिससे हीट वगैरह के लिए यहाँ पर एयर वेंट्स दिए गए हैं। और यहाँ पर हमें 2 स्क्रॉलिंग व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। इस वाले व्हील से आप इसके लेंस को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इसके अलावा पीछे वाला जो व्हील दिया गया है इससे आप की स्टोन करेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा ऊपर की साइड यहाँ पर भी इसके कंट्रोल बटन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर नेविगेशन बटन दिए गए हैं, पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, मोड का बटन दिया गया है, बैक का बटन दिया गया है, यहाँ पर LED इंडिकेटर दिया गया है। और बैक साइड में इसके सारे कनेक्टिंग पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। साइड यहाँ पर इसका स्पीकर दिया गया है, पावर केबल को कनेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ दिया गया है, 2 USB पोर्ट दिए गए हैं, 2 HDMI पोर्ट यहाँ पर मिल जाते हैं, 1 Ethernet पोर्ट दिया गया है, ऑडियो वीडियो पोर्ट दिया गया है। और इसके अलावा हेडफोन के लिए 3.5mm का पोर्ट यहाँ दिया गया है। और यहाँ पर IR सेंसर दिया गया है, यहाँ पर हमें एक डस्ट फिल्टर भी दिया गया है। यहाँ पर इस साइड इस तरह का एक डस्ट फिल्टर दिया गया है जिससे कि डस्ट वगैरह इसके अंदर ना जाए। ओवल शेप है इसका, मॉडर्न डिजाइन यहाँ देखने को मिल जाता है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, फिनिशिंग भी काफी अच्छी है। सीरियल नंबर है, सारा मॉडल नंबर वगैरह सारा डिटेल यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी चारों लेग के ऊपर एंटी स्किड पैडिंग दी गई है जिससे जब आप इसे यूज कर रहे हो तो ये इधर उधर नहीं खिसकेगा। साथ ही साथ इन पैड्स को हटा के आप इसे सीलिंग पर भी माउंट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक इस तरह का स्क्रू दिया गया है, एडजस्टमेंट दिया गया है जिससे आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। आगे से अगर थोड़ा आपको इसको उठाना हो तो इस तरह से यहाँ से आप इसकी हाइट को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। इस तरह का स्क्रू यहाँ पर दिया गया है। पावर केबल इसके साथ आई है, सबसे पहले हमें इसकी पावर केबल को यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर हमारा LED इंडिकेटर ऑन हो चुका है, पावर हमारी यहाँ पर आ चुकी है। और जब आपको इसे ऑन ऑफ करना हो तो यहाँ से आपको इसे ऑन या ऑफ आप कर सकते हो। तो मैं इसे यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। जैसे ही आप इसे यहाँ से ऑन करोगे आपका फ़ैन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, इसके फ़ैन की आवाज़ आप सुन सकते हो। तो अब आप देख सकते हो ये प्रोजेक्टर हमारा ऑन हो चुका है। तो प्रोजेक्टर की क्वालिटी में कोई भी संदेह नहीं है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी यहाँ देखने को मिल जाती है। रूम का साइज थोड़ा छोटा है तो मैं यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर इसे प्रोजेक्ट करने वाला हूँ। और जितना आप इसे पीछे की साइड रखोगे, जितना आप दूर रखोगे, आपकी स्क्रीन का साइज उतना ही यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा इसे हाइट पे रखा है, यहाँ पर टेबल के ऊपर मैंने एक बॉक्स रख के इसे रख दिया है। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मेरे रूम में ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर इसी से काम चलाऊंगा। और सामने है हमारी स्क्रीन, इसी के ऊपर हम इसको प्रोजेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्टर हो चुका है ऑन। इस तरह से आपको इसकी होम स्क्रीन दिखाई देगी। इसके अंदर आपको YouTube, Netflix, Spotify, Prime Video,
जो भी आपको एंड्रॉयड ऐप्स हैं उन्हें आपको इसके अंदर इंस्टॉल करना होगा। एंड्रॉयड 9 का सपोर्ट यहाँ देखने को मिल जाता है। प्राइम वीडियो ये सारा आपको इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो आप, सारे एप्लीकेशंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि इसके अंदर आप अमेजॉन फायर स्टिक या फिर कोई एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है तो वो आप अगर करोगे तो उससे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमें क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग्स पर जब आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको दो तरह की सेटिंग मिलती है, ऐप अपडेट और सेटिंग। सेटिंग्स पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वाईफाई की सेटिंग आप कर सकते हो, अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा ब्लूटूथ सेटिंग्स यहाँ पर दी गई है, यहाँ से आप ब्लूटूथ डिवाइस, अपना कोई स्पीकर है ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह कनेक्ट करना चाहो तो वो भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा एप्लीकेशन सेटिंग है, बूट सेटिंग्स हैं, डेट सेटिंग्स हैं, लैंग्वेज सेटिंग्स हैं। इसके अलावा प्रोजेक्शन इमेज सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप प्रोजेक्शन को सेट कर सकते हो। यहाँ से इंस्टॉल मोड आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें आपने अपना प्रोजेक्टर कैसे सेट किया हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है। जैसे आपने फ्रंट डेस्कटॉप पर रखा हुआ है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, रियर डेस्कटॉप पर रखा है, फ्रंट सीलिंग में आपने माउंट किया हुआ है या रियर सीलिंग में आपने इसे माउंट किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर 4-पॉइंट कीस्टोन का ऑप्शन भी इसके अंदर मिल जाता है। ये जो कॉर्नर्स हैं उन्हें हम प्रॉपर तरीके से इस तरह से सेट कर सकते हैं जिससे हमारी स्क्रीन अच्छी तरीके से आपको विजुअल होगी, प्रॉपर तरीके से सब कुछ आपको दिखाई देगा। तो बस यहाँ से हमें सोर्स सिलेक्ट कर लेना है। मान लो मैं अपना फायर टीवी स्टिक सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो इसमें रिमोट के ऊपर एस का बटन दिया हुआ, उस एस के बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और HDMI 1 पर मैंने कनेक्ट कर रखी है अपनी टीवी फायर स्टिक, उसे मैं HDMI 1 को ओके करूँगा तो अब हमारा जो टीवी फायर स्टिक है अमेजोन वाली वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। इस प्रोजेक्टर में हमें 1.55 इंच का 5 वॉट का इनबिल्ट ब्लूटूथ स्पीकर दिया गया है जिसकी ऑडियो क्वालिटी ठीक ठाक है। जैसे कि आप इस समय ऑडियो सुन रहे हो वो इसी के स्पीकर से आ रही है। आप चाहो तो अलग से अपना साउंड बार या फिर कोई भी म्यूजिक सिस्टम या स्पीकर वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। तो इस रेंज में आने वाले दूसरे प्रोजेक्टर की अपेक्षा 30% ज्यादा ब्राइटर स्क्रीन यहाँ देखने को मिल जाती है। 6900 लुमेंस की ब्राइटनेस मिलती है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 5000:1, 4K वीडियो को भी सपोर्ट करता है। 35 इंच से लेकर 176 इंच तक का प्रोजेक्शन यहाँ मिलता है और डिस्टेंस की बात करें तो 3.7 फीट से लेकर 23.6 फीट तक आप इसके प्रोजेक्टर की डिस्टेंस को रख सकते हो। 4P की स्टोन कनेक्शन यहाँ पर दिया गया है, 1GB की DDR4 रैम इसके अंदर मिल जाती है, 8GB की स्टोरेज है। इसके अंदर हमें 16:9 एंड 4:3 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। LED लैंप की लाइफ है 50,000 आवर्स। साथ ही साथ स्मार्टफोन, iPad, लैपटॉप, टीवी बॉक्सेस, DVD प्लेयर्स, PS4, USB फ्लैश ड्राइव सभी से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों जेटको का ये प्रोजेक्टर मुझे काफी बढ़िया लगा, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है। ये प्रोजेक्टर एक फुल HD प्रोजेक्टर है और 4K तक को ये सपोर्ट करता है और मैंने ये प्रोजेक्टर मंगाया है IPL मैच देखने के लिए। तो मैंने अपने घर पर पूरी दीवार पर इसे प्रोजेक्टर के IPL मैच मैंने यहाँ पर देखा तो भैया मजा आ गया। अगर आप भी इस प्रोजेक्टर को परचेज करना चाहते हो तो इसका बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप भी इसे परचेज कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।